एक साधारण बालक से सीएम की कुर्सी तक का सफर तय करना सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए आसान नहीं था। अपने गृह क्षेत्र गढ़वाल को छोड़कर गोरखपुर जाकर सन्यासी के रूप में अपनी पहचान बनाना, फिर गोरखपुर से लखनऊ पहुंचकर योगी से महायोगी के साथ साथ यूपी के महाराजा बनने तक का पूरा सफर देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि गढ़वाल से गोरखपुर तक, गोरखपुर से लखनऊ तक, संत से सियासत तक, सांसद से सीएम तक, फायर ब्रांड योगी से बुलडोजर बाबा तक, योगी आदित्यनाथ का सफर। किसको क्या पता था कि एक साधारण बालक एक दिन भारत का सबसे दमदार और सबसे लोकप्रिय सीएम बन जाएगा। उत्तराखंड के छोटे से जिले गढ़वाल के रहने वाले अजय बिष्ट का जीवन काफी चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन इन चुनौतियों को पार कर अजय बिष्ट से बने योगी आदित्यनाथ सन्यासी बन गए और सन्यासी के बाद अब योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार चुने गए मुख्यमंत्री हैं। 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ सांसद बने, लगातार 5 बार एमपी चुने गए। 45 साल की उम्र में पहली बार योगी आदित्यनाथ सीएम बने और फिर दूसरी पारी का रिकॉर्ड अपने नाम कर योगी आदित्यनाथ सीएम चुने गए हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनावी सफर से पहले एक नजर उनके सन्यासी बनने से पहले के जीवन पर डालते हैं। योगी के सन्यासी बनने से पहले का जीवन। जून 1972 को पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में यमकेश्वर तहसील के पंचुर गांव के एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म हुआ। योगी के पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था। अपने माता पिता के साथ बच्चों में योगी शुरू से ही सबसे अलग थे। स्नातक की पढ़ाई करते हुए योगी 1990 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। 1992 में उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक किया। योगी का राजनीतिक सफर उपलब्धियों से भरा है। राजनीति में योगी गोरखपीठ की तीसरी पीढ़ी हैं। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ भी गोरखपुर से विधायक और सांसद रहे। इसके बाद महंत अवैद्यनाथ ने भी विधानसभा और लोकसभा दोनों में प्रतिनिधित्व किया। योगी गोरखपीठ की विरासत को आगे बढ़ाते हुए 1998 में महज 26 वर्ष की उम्र में पहली बार गोरखपुर से बीजेपी के सांसद बने और लगातार 5 बार उनकी जीत का सिलसिला बना रहा। आइए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल से गोरखपुर पहुंचकर कैसे चुनावी सफर की शुरुआत की और कैसे यूपी के प्रिय नेता या यूं कहें कि प्रिय और दमदार सीएम बने। योगी आदित्यनाथ का चुनावी सफर। 1990 के राम मंदिर आंदोलन के दौरान उनका रुझान आंदोलन की ओर हुआ और इसी बीच वो गुरु गोरखनाथ पर शोध करने के लिए 1993 में गोरखपुर आए। गोरखपुर में उन्हें महंत और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन के अगुवा महंत अवैद्यनाथ का स्नेह मिला। 1994 में योगी पूर्ण रूप से सन्यासी बन गए। दीक्षा लेने के बाद अजय सिंह बिष्ट को योगी आदित्यनाथ नाम मिला। योगी को महंत अवैद्यनाथ ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। महंत अवैद्यनाथ के 12 सितंबर 2014 को ब्रह्मलीन होने के बाद योगी गोरखपीठ के महंत घोषित किया गया। योगी ने साल 2002 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के बैनर तले कई उम्मीदवार उतारे। योगी इस बार के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर की सीट पर योगी पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। योगी गोरखपीठ की विरासत को आगे बढ़ाते हुए 1998 में महज 26 साल की उम्र में पहली बार गोरखपुर से बीजेपी के सांसद बने। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लोक भवन में 24 मार्च को योगी को दोबारा बीजेपी का गठबंधन दल के विधायकों ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। लगातार 5 साल के शासन के बाद शुक्रवार को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी से बने बुलडोजर बाबा। राज्य में 2017 में सीएम बनने के बाद लगातार 5 सालों तक योगी ने सरकार चलाई और विधानसभा चुनाव में माफिया के खिलाफ इस्तेमाल किए गए बुलडोजर को कार्यकर्ताओं ने योगी का प्रतीक बना दिया।
विरोधियों खासतौर से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर निशाना साधा तो समर्थकों ने योगी को बुलडोजर बाबा की उपाधि दे दी और इसका नजारा कई सभाओं में जगह जगह देखा भी गया। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज़।